जात पात तो गांव में होता है, शहरों में अब कास्टिज्म नहीं होता। आपको भी कई लोगों ने ये बात कही होगी। आपके सवर्ण मित्रों की ये दलील जातिवाद को किसी पुरानी प्रथा की तरह पेश करती है जो सिर्फ दूर दराज के गांव में चलती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे आधुनिकता की निशानी माने जाने वाले शहरों में भी जातिवाद भयंकर रूप से मौजूद है। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। 16 अगस्त को नैनीताल के लालकुआ इलाके से आए इस वीडियो में एक ब्राह्मण औरत अपने पड़ोस में एक दलित को घर बनाने से रोकती हुई दिखती है। इस दलित ने 35 लाख रुपए देकर प्लॉट खरीदा था, लेकिन जातिवाद की बीमारी से ग्रसित ये महिला कहती है कि यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण रहते हैं और वो यहाँ किसी भी दलित को नहीं रहने देगी। खैर, प्लॉट मालिक विजय कुमार टमटा ने जब पुलिस से शिकायत की तो यही महिला उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आधुनिकता की निशानी माने जाने वाले शहरों में भी जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यहां तक कि शहरों में भी दलितों और सवर्णों के मोहल्ले अलग अलग होते हैं। पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर सामने आया था। नवीन भारती, दीपक मलगन और अंदलीप रहमान के रिसर्च में ये साबित हुआ था कि शहरों में भी बस्तियां जातियों के आधार पर बसी हुई हैं और सवर्णों के मोहल्लों में दलितों को अक्सर ठिकाना तक नहीं मिलता। आइसोलेटेड बाई कास्ट नेबरहुड स्केल रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन इन इंडियन मेट्रो शीर्षक वाले इस रिसर्च को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु ने प्रकाशित किया है। इस शोध के मुताबिक दलितों को शहरी मोहल्लों से बाहर रखने का सबसे ज्यादा चलन गुजरात में है। मिसाल के तौर पर राजकोट शहर की 80% बस्तियों में कोई आदमी दलित नहीं है। समाज सुधारकों के जन्मभूमि माने जाने वाले कोलकाता शहर में लगभग 60% मोहल्लों में कोई दलित नहीं रहता। वहीं बेंगलुरु शहर में आईटी क्रांति के बाद ऊंची ऊंची आधुनिक बस्तियां तो बस गई, लेकिन इन अपार्टमेंट्स में दलित ना के बराबर हैं। यानी इस रिसर्च पेपर से साफ हो गया कि जातिवादी लोग जहां भी गए जातिवाद का वायरस अपने साथ ले गए। अमीर सवर्ण पहले शहरों तक पहुंचे और अपनी कॉलोनियां बनाई। बाद में जब वंचित तबके के लोग शहरों में आए तो सवर्णों की बस्तियों में उन्हें जगह नहीं मिली। यही नहीं, सवर्णों की बस्तियों में दलितों को किराए पर भी घर नहीं मिलते। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई दलित घर ढूंढने जाता है तो उससे उसकी जाति पूछ ली जाती है। कई बार तो घरों के बाहर ऐसे बोर्ड टंगे मिल जाते हैं कि किराए का मकान है लेकिन SC ST के लिए नहीं। यहाँ मुझे अपने साथ हुए जातिवाद का एक किस्सा भी याद आ गया। साल 2017 में मैं और मेरी पत्नी अजरा नोएडा में किराए का मकान ढूंढ रहे थे। हम जहां भी जाते लोग हमारी जाति पूछने लगते। कोई मेरे दलित होने की वजह से घर नहीं देता तो किसी को अजरा के मुस्लिम होने से दिक्कत हो जाती। उस वक्त हमें बाबा साहब की भी बहुत याद आई थी, क्योंकि 2017 से 100 साल पहले यानी 1917 में बाबा साहब को भी बड़ौदा रियासत में उनकी जाति की वजह से घर नहीं मिला था। लेकिन आज भी ऐसे वीडियो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि 100 साल में आखिर क्या बदला है। शहरों की तरह ही गांव देहात में आज भी जातियों के हिसाब से मोहल्ले बटे होते हैं। चमार टोला, भंगी टोला या कुमारों की गली बोलकर आसानी से समझा जा सकता है कि उस मोहल्ले में कौन सी जाति के लोग रहते हैं। वैसे जातियों के हिसाब से बस्तियां बसाने के बारे में मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रों को गांव या बस्ती के अंदर नहीं रहना चाहिए। उन्हें गांव के पास किसी प्रसिद्ध पेड़, शमशान, पहाड़ या जंगल में रहना चाहिए। मनुस्मृति की इन्हीं ब्राह्मणवादी बातों को मानकर ज्यादातर अछूतों को गांव के दक्षिणी हिस्से में बसाया जाता था, ताकि मरे हुए जानवर की चमड़ी उधेड़ने जैसे कामों में लगे अछूतों की बदबू हवा के साथ सवर्णों की ओर ना आ जाए। लेकिन वक्त के साथ काम के तरीके बदल गए। शारीरिक छुआछूत कुछ हद तक कम हुई, लेकिन मानसिक छुआछूत अब भी चरम पर है। इसलिए ये कहना कि जातिवाद सिर्फ गांव की समस्या है एकदम गलत है। ये तर्क भी गलत साबित होता है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण के साथ जातियां टूट जाएंगी। इसके अलावा ये कहना भी सही नहीं है कि शहरों में सिर्फ अमीर गरीब, शिक्षित और अनपढ़ का ही फर्क है, बल्कि आधुनिक शहरों में भी जाति सबसे बड़ी पहचान है। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। साथ ही आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया अकाउंट नंबर में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें।
आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है दशोत्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।